आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब है और इसकी कंफर्म डेट क्या है, आपको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, और इसके साथ बात करेंगे कि जब आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको फ्री टिकट मिलेगा या नहीं। दोस्तों, फ्री टिकट का मतलब है कुछ स्टूडेंट को रेलवे बोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट या पास अवेलेबल कराएगा ताकि उनका कोई भी किराया नहीं लगे जब आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं लाइव शिक्षा ट्यूब, और इस पे हम सुबह 6 से 8 के बीच डेली एक प्रैक्टिस सेट, जो रेलवे ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम सुबह 6 से 8 के बीच अपलोड करते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेलवे से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, जो इमेज देख रहे हैं, वो काफ़ी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे वायरल हो रही है, और इसमें लिखा हुआ है कि 16/9/2018 को रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, जिसके प्रवेश पत्र 7/9/2018 को आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, ये फेक है और किसी ने इसको एडिटिंग करके बनाया है। दोस्तों ऐसी कोई भी अभी तक न्यूज़ नहीं आई है कि एग्ज़ाम कब होगा। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो हम लोग सोच रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, वो मई या जून में होगा, और मई अगर मई में भी होगा तो मई लास्ट में होगा। क्यों होगा इतना लेट, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो आपके रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे हुए हैं वो अभी तक 2 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म भर चुके हैं। तो आपका पहला जो टेस्ट होता है रेलवे ग्रुप डी का, वो होता है सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसके लिए कंप्यूटर भी चाहिएंगे गवर्नमेंट को, तो जब रेलवे बोर्ड को कंप्यूटर चाहिएंगे तो उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो इस व्यवस्था में उनको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि 2 करोड़ स्टूडेंट्स की व्यवस्था करना कोई आम बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों आपका सेकेंड क्वेश्चन पे, जो आप लगभग मेरे को व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब के लिंक में डालते रहते हैं कि सर ये हमें बताइए, तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रेलवे ग्रुप डी का प्रवेश पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है। दोस्तों जब भी आपका रेलवे ग्रुप डी का प्रवेश पत्र आता है तो आपको सीधा किसी के बारे में नहीं सोचना है, और सीधा www.rrbahmedabad.government.in की साइट पे चले जाना है। जब आप साइट पे जाएंगे तो ये जो नोटिफिकेशन दिख रहे हैं, जैसे अभी आया हुआ है नोटिफिकेशन, रोजगार सूचना का शुद्धि पत्र, इस टाइप के नोटिफिकेशन आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई देंगे कि आपका प्रवेश पत्र आ गया है। और प्रवेश पत्र आने से पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा या तो मोबाइल पे या मेल पे, लगभग जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो ये लोग नोटिफिकेशन देते हैं। तो आपको वहाँ से आपके जो रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ या नाम से आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी प्रवेश पत्र इशू नहीं हुए हैं, क्योंकि 31 तारीख तक तो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद ही प्रवेश पत्र रिलीज होंगे। और दोस्तों अगर कोई भी आपको फेक न्यूज़ लगती है, या कोई भी आपको ऐसा न्यूज़ लगता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम रद्द हो गया है, इस टाइप की कोई भी न्यूज़ मिलती है, तो सबसे पहले आप किसी को मत पूछिए, आरआरबी अहमदाबाद की साइट पे चले जाइए, इस पे सारी डिटेल होगी। तो आपके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या रेलवे टिकट पास मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें बताइए कि जब हम रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या हमें गवर्नमेंट पैसा देगी एग्ज़ाम देने जाने का। हाँ दोस्तों, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री अलाउंसेस देगी कि जाने का किराया या आने का किराया फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो स्टूडेंट आएंगे कैटेगरी एससी और एसटी वाले, इन स्टूडेंट को पास मिलेगा, जो जब ये यात्रा करेंगे वो यात्रा आपकी फ्री होगी। और ये पास कैसे आएगा मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ ही अटैच आएगा आपका पास, जब आप उस पास को दिखाएंगे तो आपका ये टिकट मान्य होगा। दोस्तों इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम रद्द हो गया है। दोस्तों एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम रद्द हो जाता तो अभी 31 तारीख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म कैसे भरे जाते, एक कॉमन सेंस की बात है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब
एग्ज़ाम ही रद्द हो गया है तो स्टूडेंट फॉर्म क्यों भर रहे हैं और साइट पे फॉर्म क्यों निकले हुए हैं। और अगर एग्ज़ाम रद्द होता तो न्यूज़ चैनल्स पे और बहुत सी जगह बहुत सी खबरें आती। तो दोस्तों किसी की फेक न्यूज़ पे मत जाइए और अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं या हमारे चैनल में जो हम मॉडल पेपर टेस्ट पेपर अपलोड करते हैं उनको देखना चाहते हैं तो सुबह 6 से 8 के बीच तैयार रहिए। जैसे ही हम अपलोड करेंगे आप तक मिले तो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।